नमस्कार सिटी के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है, ये है कलियर रोड स्थित मेवड़ कला गांव के मैदान की तस्वीरें, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी के द्वारा 151 गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्म की कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। कन्याओं को जरूरी सामान भी साथ में दिया जा रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस आयोजन में आने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। कहाँ से आए हो आप लोग? खानपुर से। खानपुर से अर्जुन भाई की। बढ़िया लग रहा जी, फुल मजा सबको मजा आ रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं विधायक जी, बहुत बढ़िया। हमारे आगे सारी वोट इनके पास जाती हो। हाँ हाँ जी नमस्कार, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, बट राइट नाउ माय होम इज हरिद्वार में मेरा घर है, और मैंने बड़ा अमेजिंग नज़ारा ये देखा। और मैं भी ढूंढता था कि इंसान के अंदर की इंसानियत को, और वो इंसानियत मुझे बड़े भाई उमेश कुमार जी के अंदर देखने को मिली। और ये नज़ारा जहाँ पे हिंदुओं की बेटी और मुस्लिम भाइयों की बेटी की एक साथ पंडाल में शादी, जो 151 शादी उमेश कुमार विधायक जी के सहयोग से हो रही है, बड़ा अमेजिंग नज़ारा है। और यही कहूँगा कि बहुत अच्छी इंसानियत के रूप में ऐसा इंसान आया है, और फ़ख्र हमें इस बात का है कि वो भी पत्रकार ताकि फील्ड से आए हैं और अभी भी जर्नलिज्म में भी हैं, अपना चैनल भी है उनका। तो जो मैंने देखा कि अभी फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से यहाँ पे उन्होंने करी, ऐसे विधायक को मैं सलाम करता हूँ। और बड़े भाई उमेश कुमार से यही हम लोग गुजारिश करेंगे कि आगे खूब आगे बढ़ें और ज़िंदगी में ऐसे इंसानियत के फलसफ़ों को लोगों तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। और आपसे, आपने अपने जर्नलिज्म के करियर में क्या कभी किसी नेता को, किसी विधायक को इस तरह के काम करते देखा है? अभी तक संभवतः ऐसा कोई सौभाग्य नहीं मिला मुझे। आज अचानक मुझे आना पड़ा और पता लगा कि यहाँ पे रुड़की के बगल में, कलियर के बगल में ये प्रोग्राम है। पर अमेजिंग था मेरे लिए ये दृश्य अपने जीवन में, और मैं फ़ख्र करता हूँ एक ऐसे पत्रकार पे, उन्होंने हमारा सीना और चौड़ा कर दिया एक इंसानियत का, जो उन्होंने ये एक सबूत दिया है। और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे खूब आगे बढ़े और इंसानियत का एक पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, ये 151 बेटियों की शादी करा रहे हैं हमारे सांसद महोदय, बहुत अच्छा लगा। वरना अभी तक तो हरिद्वार की जनता को यही पता था, एक सांसद और एक विधायक जो 25-30% कमीशन लेने के लिए ही बना हुआ है, लेकिन उमेश कुमार जी ने सत्य दिखा दिया कि सांसद या विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनसेवा के लिए ही होता है। हिम्मत और जुनून होना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं यही है कि विधायक जी की ये बहुत अच्छी, ये राजनीति से हट के उनका बहुत अच्छी सोच है कि गरीब लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, और इससे आने वाले जो लोग हैं उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलेगी कि मैं भी गरीबों के लिए इसमें बहुत अच्छा सहयोग है, और इससे मैं विधायक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम भादराबाद से हैं। भादराबाद से जी। किनकी शादी है आज यहाँ? हम तो देखो विजिट करना है, उमेश कुमार से काम देखना है। अच्छा। ये कैसा काम कर रहे हैं? तो उमेश कुमार जी का काम देखने के बाद डिसाइड करोगे कि वोट किसे देना है? वोट डिसाइड करना है, अभी टाइम है वोट डिसाइड करने में, लेकिन देखने की कि लोगों कितनी सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिलने बात कर रहे हैं, देखने की लोग कितना इन्हें प्यार देना चाह रहे हैं या लोग इन्हें यूज़ तो नहीं करना चाह रहे। आज आज आपको ये सब प्रोग्राम देखने के बाद कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों की मदद हो रही है इसमें, तो बहुत गरीब लोगों ने बात भी की, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मदद हो रही। चलो कोई इनका राजनीति लालच ना हो इनका, लेकिन काम अच्छा है। तो क्या, हाँ, हरिद्वार जिले में किसी ने नहीं, नहीं। तो क्या लग रहा है अभी तक, क्या लगता है अब आपको, ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? अब भीड़ देखो, लोग ललच से है कि लोग ऐसे लोगों को आगे पहुँचाए। अभी तक आपको क्या फीडबैक मिला जो आपने लोगों से बात की? लोग देखो अपनी शादी करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग वैसे भी हैं जो यहाँ ऐसे ही फिर रहे हैं, लेकिन ये है कि इन्हें फर्क मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा उमेश कुमार जी को। जी, आपकी अभी तक क्या पसंद रही है अगर आपने वोट दिया है तो?
पसंद तो देखो हमारी तो रहती है एजुकेशन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, भाई लड़के सही रहे, बेटे सही रहे, आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, हमारे तो इसमें वोट डालते हैं हम तो। तो अभी जो उमेश कुमार जी का आप काम देख रहे हो और आज इस प्रोग्राम में आप देखने भी आए हो, क्या चल रहा है कैसे, तो उसे देख के क्या लगता है? आगे बढ़े उमेश कुमार जी, आगे बढ़े उमेश कुमार जी, लोग भी समर्थन करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे और लोगों से बताएंगे भी, जिन्हें अच्छा फीडबैक मिला। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मतलब अपना काम निकाल रहे हैं। नहीं देखो, काम निकालने वाले तो होते ही हैं, लेकिन जिसका काम निकल जाता है समर्थन भी करता है। हाँ ये तो है, अच्छा है, अच्छा प्रोग्राम रखा हमारे जी ने, आगे ऐसे करते रहे, हमारे जिले में बहुत लोगों की मदद हो रही है। जी जी। कहाँ से आए हो आप? डाडा जलालपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ का? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। इतना बड़ा प्रोग्राम आपकी शादी के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कहाँ से आए हो? खतौली से जी। खतौली मुजफ्फरनगर। वहाँ से आए हो? हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला यहाँ के प्रोग्राम? शादी है, हमारे ससुर जहाँ लड़की देखी थी उन्होंने बताया था। अच्छा। हाँ जी। इतना बड़ा प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, हाँ जी, शादी के लिए हुआ है? आज तक इतना बड़ा देखा ही नहीं हमने, काफी सारे लोग हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। पहली बार देख। हाँ जी। खुश हो अच्छे से? हाँ जी। पदर बंदोगरा का धन्यवाद। मैं सोमपाल कश्यप माडा बिल्ला से। जी देखो जी, आज विधायक ने इतनी बड़ी खुशी कर रखी है कि सभी लड़की की शादी करा रहा है, किसी के माँ बाप बहुत गरीब है उसका भी सहयोग कर रहा है, इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी वोटों से जिता के विजय बनाए। कैसे सपोर्ट करोगे लोकसभा इलेक्शन में उमेश कुमार जी को? हम उमेश भाई के साथ है, इसे सपोर्ट करेगा, और तो हम तो जुड़े रहे, और लोगों को भी जोड़ेंगे अपने पास। हाँ जी। आप? बस कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं विधायक साहब कि मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा किसी विधायक ने आज तक किया नहीं, क्योंकि इतनी शादियाँ कर दी है आज तक विधायक ने, किसी भी ने किया। और दूसरी बात है, इनका है सही भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, क्योंकि ब्लॉक में ले लो या कहीं भी ले लो, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सब एक पैसे काटने पर लगे हुए हैं, बस काम तो कोई कराता नहीं, और थोड़ा बहुत काम करा पैसा निकाल लिया बोलो। तो आप सांसद बनाओगे इनको? इनको क्यों नहीं बनाएंगे सांसद, क्या हम तो इनको मुख्यमंत्री बनाने की भी हिम्मत रखते हैं। खानपुर तुगलपुर खालसा। आप भी यहाँ शादी के लिए आए हैं? लड़का शादी के लिए आए हैं? हमें देखने के लिए आए। अच्छा, लड़का लड़के नहीं, देखने लिए आए जी ने? हाँ, प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया कर। हाँ हाँ, खानपुर से हम ब्लॉक से आए हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, हमारे वहाँ जाता रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ेगा जी। खानपुर ब्राक ग्राम तुगलपुर खालसा जिला हरिद्वार, और वहाँ ये तो काम बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, ऐसा काम तो कोई आज तक प्रधानमंत्री भी नहीं करवा सका, मुख्यमंत्री नहीं करवा सका, बहुत बड़ी भाई साहब आज तक किसी ने करवाया नहीं, जब तो बड़ी बात तो कहेंगे ही, किसी ने करवाया बताओ आज तक का ये कार्य? इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य करवा रहे हैं, नदी गंगा के तटबंध बन दिए, सिडकुल मंजूर करवा दिया, जिला अस्पताल ला दिया, सड़कें बनवा रहे हैं, और क्या कार्य करवाएंगे? देखो जी, परमात्मा चाहे तो हम तो कहे पाए तो ठीक है, अब प्यासे को पानी मिलेगा वो तो उसका गुण गाएगा ना, हम तो यही कहेंगे हमारे एरिया में खादर में कोई नहीं बौड़ता था, हमारे लिए बहुत अच्छा काम है भाई, बढ़िया बढ़िया जी। कहना क्या था, पर कहने को तो देखो सब जनता के सामने हैं, आप लोगों के भी सामने है भाई साहब, जनता को ऐसा विधायक मिला है साथ जिंदगी में दोबारा इस पृथ्वी पर वो मालिक भी पैदा ऐसा ना करे। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है इस विवाह स्थल पर, जहाँ एक तरफ मुस्लिम कन्याओं का निकाह किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो हिंदू कन्याएं हैं उनके लिए फेरों का इंतज़ाम भी किया गया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने आयोजन स्थल पर आने से पहले पूरे ग्राउंड का हेलीकॉप्टर द्वारा एक चक्कर लगाया और सभी लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। उमेश शर्मा, हमारा सांसद कैसा हो? हमारा सांसद कैसा हो? विधायक उमेश शर्मा, उमेश कुमार, हमारा सांसद कैसे हो? सोनिया शर्मा, आवाज बनकर आपकी भावना के अनुरूप जो दो साल का कार्यकाल माननीय विधायक जी का रहा, उस कार्यकाल के दौरान ये पांचवा कार्यक्रम सामूहिक विवाह का माननीय विधायक उमेश कुमार जी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा,
आपके बीच में लगातार बने हुए हैं। हमें आज इस समाज में ऐसी जरूरत है कि ऐसे नेता अगर हमारे बीच में आ जाए तभी हमें गुलाम होने से बचाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? मैं जब विधायक बना तो मेरे पास एक महिला आई थी, उन्होंने मुझसे कहा विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए ब्याज पर दिला दीजिए। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे 2 लाख का? बोली मेरे पति नहीं है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, मैं विधवा हूँ। तो मैंने कहा 2 लाख का ब्याज आप कैसे चुकाओगी? 4,000 रुपये महीना ब्याज। बोली 1,500 रुपये मेरी पेंशन आती है, 2,500 मैं कमा लेती हूँ। तो मैंने कहा क्या सारी ज़िंदगी ब्याज चुकाओगी, मूल कब चुकाओगी? बोली मेरे पास एक कमरे का घर है, मैं वो बेच दूँगी। तो उस दिन से मुझे लगा कि कितनी माएँ ऐसी होंगी जो अपनी ज़िंदगी को किसी का साहूकार का गुलाम बनाने को तैयार होंगी, कितने परिवार होंगे, कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो पैसा ना होने के कारण अपने घरों में आज बैठी होंगी। तब से हमने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया और आज 151 के साथ हमने 501 का आंकड़ा 1.5 साल में पार कर लिया। अच्छा, लोकसभा का इलेक्शन भी आप लड़ रहे हैं और भाजपा ने या कांग्रेस ने यहाँ पे अभी टिकट फाइनल नहीं किया है, क्या कारण है सर? क्या लग रहा है कि उन्हें उमेश कुमार भारी दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए ऐसा है, मेरा ना तो कोई अस्तित्व है ना मेरा कोई वजूद है, ये तो जनता का चुनाव है। पहले भी मेरा चुनाव जनता ने लड़ा था और इस बार भी जनता लड़ेगी। मुझे ना तो किसी से वोट मांगने जाना है ना मैं किसी से अपील करूँगा। उनका मन गवाही देगा, उनका मन करेगा कि उमेश कुमार को लड़ाना चाहिए, जिताना चाहिए, तो मैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये जनता सर्वोपरि है, जो वो तय करेगी वो मंजूर होगा। उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद। सामूहिक विवाह कार्यक्रम है ये, एक कार्यक्रम हमने नारायणगढ़ अम्बाला में भी कराया था, वहाँ पर बहुजन समाज की 124 कन्याओं का कन्यादान किया था।